महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर स्वच्छता ही सेवा के तहत नो प्लास्टिक कार्यक्रम का आयोजन जन स्वास्थ्य विभाग नगर सेवाएं भिलाई इस्तपाल संयंत्र द्वारा सेक्टर 6 भिलाई में किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर तथा महात्मा गांधी की प्रतिमा पर चित्र माल्यार्पण कर तथा पुष्प अर्पित कर मुख्य अतिथि CEO भिलाई इस्पात संयंत्र अनिवार्दन दास गुप्ता साहब तथा विशिष्ट अतिथि कार्यपालक निदेशक एवं अन्य अतिथि गणियों द्वारा किया गया। कार्यक्रम में CEO अनिर्बान दास गुप्ता ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर उपस्थित जनों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि गांधी जी के बातों का हमें याद रखना होगा और अमल में लाना होगा। गांधी जी की बातों में स्वच्छता, अहिंसा और पर्यावरण संरक्षण था। इन बातों को अमल में लाने से गांधी जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मुहिम छेड़ी है, नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक। प्लास्टिक के दुरुपयोग से पर्यावरण को क्षति पहुंच रही है, उसे हमने रोकना होगा। पर्यावरण को जो हानि हमने प्लास्टिक उपयोग करके पहुंचाया है उसमें हम सुधारक पाए तभी क्षतिपूर्ति संभव है। पहले प्लास्टिक का उपयोग नहीं होता। वहीं विशिष्ट अतिथि पर्यावरण संरक्षण मंडल की क्षेत्रीय अधिकारी डॉक्टर अनीता सावंत ने लोगों से अपील की कि सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बंद करें तथा जूट के थैले, कपड़े के थैले तथा कागज के बने थैले मार्केट में लेकर जाएं। इस अवसर पर राजेश वर्मा द्वारा नो प्लास्टिक पर कविता पाठ किया गया तथा श्री राजेश्वर राव द्वारा पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए पौधे रूप धारण किए गए जो कि आकर्षण केंद्र रहा। तो वो एक दृढ़ इच्छा शक्ति थी और वो भी सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए हमने ये आजादी पाई। महात्मा गांधी ने एक धोती पहनकर अंग-तिरंगियों को हमारे देश से बाहर निकाल दिया। आज का आयोजन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम सबके जीवन से और हमारी आने वाली पीढ़ियों के जीवन से संबंधित है। मैं भिलाई इस्पात संयंत्र को, उनके CEO साहब को और सभी अधिकारियों को, सभी कर्मचारियों को बधाई देना चाहूंगी और साथ ही साथ पर्यावरण विभाग की ओर से धन्यवाद देना चाहूंगी कि इतना बड़ा इनिशिएटिव आपने आरंभ किया आज कि न केवल संपूर्ण स्वच्छता के क्षेत्र में हम भिलाई इस्पात संयंत्र को स्थापित करें बल्कि हम आज से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक, ऐसा प्लास्टिक, ऐसे प्लास्टिक की सामग्री, ऐसे प्लास्टिक के सामान जो दोबारा इस्तेमाल नहीं किए जा सकते, हमें आज से उन्हें ना कहना है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये कोई बहुत बड़ा कठिन काम नहीं है। जब ये प्लास्टिक हमारे जीवन में नहीं था तभी भी हमारा जीवन बहुत ही सुकून और शांति के साथ चल रहा था, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि इस प्लास्टिक ने थोड़ी सी सुविधा जरूर दे दी कि हम अपने घर से कपड़े का थैला, जूट का थैला, नायलॉन का थैला जो लेकर जाते थे उससे हम मुक्त हो गए और कहीं भी खड़े होकर के हम कोई भी सामान खरीदते हैं और सामने दुकान वाला प्लास्टिक के कैरी बैग में हमको सामान दे। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।